सो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक रे मूवी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी HD थंबनेल कैसे बनाते हैं YouTube वीडियो का। तो दोस्तों, आपने एक एप्लीकेशन YouTube एप्लीकेशन पे आपने एक न्यू चैनल क्रिएट किया, सो फाइनली आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा। आई नो आप सभी को इस वीडियो को बिल्कुल देखने के बाद आपको 100% सीख जाइएगा HD थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपने अपने YouTube चैनल पे YouTube एप्लीकेशन पे एक नए YouTube चैनल क्रिएट किया, मान लीजिए आपने कोई भी नाम से क्रिएट कर दिए और कोई वीडियो से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपका बहुत साल पुराना भी हो गया और ना ही अभी तक आपके चैनल का वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ और ना ही अभी तक सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका मैं थंबनेल HD कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपने तो पढ़ ही लिया होगा मैं के HD थंबनेल YouTube। तो दोस्तों, अगर आपने YouTube वीडियो का HD थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा। आई नो आप सभी को इस वीडियो बहुत ही अच्छा और आपके लिए बेटर हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी बात होने वाली है YouTube चैनल पे HD थंबनेल कैसे बनाए। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना चैनल तो लोग YouTube एप्लीकेशन पे तो चैनल क्रिएट कर देते हैं, लेकिन अपनी वीडियो का HD थंबनेल ही नहीं बना पाते। मतलब आपने पहले मेरे एग्जांपल देख लीजिए, मेरे चैनल पे ओल्ड वीडियो जाकर देख लीजिए। मैं पहले 16:9 रेशियो का यूट्यूब का थंबनेल होना चाहिए, लेकिन मैं 1:1 रेशियो का थंबनेल बना बना कर डाला अपना वीडियो पे। तो एग्जांपल के थ्रू मेरा ही है यूट्यूब का वीडियो, तो देख लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना ओल्ड वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा HD थंबनेल कैसे बनाते हैं YouTube चैनल का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो कर जाए जल्दी से शुरू बिना समय व्यस्त किए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, उससे पहले अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी से इमेजेस डालते रहूँ जो कि आपको कभी भी काम आ सकता है, इस इमेजेस को लगाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू और बनाते हैं आज की इस वीडियो में के HD थंबनेल जो कि आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है आपके YouTube को ग्रो करने के लिए, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और व्यू को ग्रो करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। तो दोस्तों, HD थंबनेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर। जैसे कि मैं गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे सिंपल सा तरीका, यहाँ पे टाइप करना है पिक्सल लैब, जिस एप्लीकेशन का नाम है जहाँ से आप HD थंबनेल बना सकते हैं उसका नाम है पिक्सल लैब। तो दोस्तों, इसे डाउनलोड टाइप करने के बाद दोस्तों आपको इसे कर देना है इंस्टॉल। जैसे कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हो तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है। और यहाँ से आपको एक मस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आप मैं पहले बनाता था 1:1 रेशियो में, लेकिन यूट्यूब का वीडियो होता है 16:9 रेशियो में, मतलब चौड़ा में। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, मैं आपको 3 डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे इमेज साइज। तो दोस्तों यहाँ से आपको रेडियो बटन खुलेगा जैसे कि यूट्यूब का। तो यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों ये तो हो गई कंप्लीट और मैं चाहता हूँ इसकी ये बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के लिए। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आपको इमेज पे आ जाना है, 3 वाला 4 वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना और यहाँ से आप इमेज चूज कर सकते हैं जो भी आपको इमेज रखनी है अपने थंबनेल बनाने के लिए। तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये ब्लू वाला, तो मैं ऐसे ही रखूँगा और मैं इसे कर देता हूँ साइड में। और मैं यहाँ पे दोस्तों एक अपना, तो यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज करना है, जैसे कि मैं ये फ़ोटो चूज करूँगा और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप फोटो को बना सकते हैं, तो यहाँ से बना लेता हूँ इसे। और इसकी फ़ोटो की साइज़ को आप यहाँ से रेडियो बटन से थोड़ा अपने इमेज के अनुसार रख लीजिए, थंबनेल के अनुसार। तो ये कुछ स्मॉल है, इसे मैं कर दिया और मैं यहाँ से इसे छोड़ देता हूँ ऐसे ही। लेकिन मेरे को ये कलर पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा अभी। तो आपको सिंपल सा तरीका है, यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। तो ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही रखूँगा क्योंकि मेरा इमेज का कलर भी यही है। दोस्तों ये तो हो गई फ़ोटो की कंप्लीट ट्यूटोरियल, अब चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट आपको यहाँ से लिखना है, तो आपको मेक HD इसे कर देता हूँ और यहाँ से स्केच को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ए वाला आइकन पे आपको यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ से आप कलर को चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं एक कलर रखूँगा ऐसे, यहाँ से आप कलर को बना लीजिए।
तो ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो ये कलर और इसकी मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड आपको यहाँ से फ़ॉन्ट से करना है, मेरे को फ़ॉन्ट ये भी आपको ए बी वाला ऑप्शन पे, इस पे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, देख सकते हैं दोस्तों। ये फ़ॉन्ट आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट रख सकते हैं। तो इसका मैं और इसका HD बोल्ड और इटैलिक दोनों कर देता हूँ। इटैलिक पे अच्छा नहीं दिख रहा तो इसका मैं केवल बोल्ड ही करूँगा, बोल्ड होगा। और दोस्तों इसके बाद आपको स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक मतलब वर्ड्स का बगल अगल बगल में जो भी वर्ड्स आते हैं वो सब इस तरह से दिखने को मिल जाएंगे। तो इसका स्ट्रोक ये ब्लू वाला मैं स्ट्रोक ब्लैक ही रखूँगा, ब्लैक क्योंकि एट्रैक्टिव लग रहा है, ब्लैक बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गया मैक HD। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप करना है मैक HD थंबनेल। थंबनेल यहाँ पे टाइप कर लीजिए थंबनेल और ये इसे कर दीजिए ओके। और यहाँ से इमेज की साइज को आप बढ़ा दीजिए ऐसे। तो ये दोस्तों हो गई यहाँ पे टाइप और मैं इसके कलर में डाल देता हूँ, कलर रहेगा वाइट वाइट। और यहाँ से मैं फॉन्ट का कुछ चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट ये बोल्ड ही रहेंगे और इसे बोल्ड ही कर देता हूँ। और यहाँ से इसकी बैकग्राउंड स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ऐसे और अच्छा लगेगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शेडो भी डाल देता हूँ, शेडो से अच्छा लगता है दिखने में। येलो हो गया और इसकी इनर शेडो डाल देता हूँ, इनर शेडो में कुछ इस तरह के दिखेंगे तो, लेकिन ये अच्छा दिख नहीं रहा तो मैं इसे हटा देता हूँ। और दोस्तों ये हो गई मैं HD थंबनेल। और यहाँ से न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना और फिर से एक टेक्स्ट बनाना है। तो टेक्स्ट मेरा रहेगा ऑन एंड्रॉयड, मतलब ऑन एंड्रॉयड मोबाइल। तो यहाँ से इसे ऐसे कर देना सिंपल सा तरीका से, और इसका भी सेम वही प्रोसेस करना है जैसे आपने अगले वीडियो में किया था। इसे मैं ग्रीन रखता हूँ, ये हो गई। और इसकी फ़ॉन्ट को बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट बढ़ा देना, बोल्ड कर देना यहाँ से ओके। और इसकी लाइनर को बढ़ा देना, शेडो को, शेडो ऐसे। तो दोस्तों ये तो हो गई। और फिर से मैं ऑन एंड्रॉयड मोबाइल, मोबाइल तो डालना ज़रूरी है तो मैं मोबाइल को डाल देता हूँ। ओके करना, ओके करने बाद इसका भी कुछ साइज को बढ़ा देनी है आपको बहुत ही आसानी से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर सेम वही प्रोसेस करना है, कलर डाल देना। तो मैं कलर डालूँगा ग्रीन ही डालूँगा कि ब्लू डाल दूँ यार मेरे को पता नहीं चल रहा, तो मैं रेड ही डालता हूँ। रेड के बाद दोस्तों यहाँ से फ़ॉन्ट को कुछ इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देना, फ़ॉन्ट का बोल्ड ही रहेगा तो ये बोल्ड ठीक है। और इसका स्ट्रोक में बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक में ऐसे रहेंगे स्ट्रोक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ऐसे शेडो डाल देनी है, शेडो ये रहेगा। और इससे दोस्तों मैं ये थंबनेल का कुछ बैकग्राउंड डाल देता हूँ, बैकग्राउंड में कुछ अच्छा दिखते हैं। तो दोस्तों ये लो मेरा थंबनेल ओके हो चुका है, बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बन चुका है। अगर आप भी ऐसे ही थंबनेल बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही प्रोसेस कीजिए जैसे मैं बताया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों देख सकते हैं मेरा थंबनेल बना हुआ है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, आप भी बना सकते हैं।